उज्जैन शहर के थानों में कई सालों से अलग अलग अपराधों में प्रयुक्त वाहन सड़ रहे हैं। वहीं नीलामी नहीं होने की वजह से वाहनों में जंग लग गई है और थानों ने उन्हें खड़ा रखने का स्थान भी नहीं बचा है। पुलिसकर्मी भी अब इन वाहनों से परेशान है। थाने के स्टाफ को कई बार इन्हें पनपने वाले जहरीले जानवरों से जान का खतरा भी रहता है। करोड़ों की कीमत के ये वाहन अब पूरी तरह सड़ने लगे हैं, जहां आने वाले समय में इनकी कीमत घटने के साथ ही विभाग को होने वाला राजस्व का भी नुकसान होगा। पिछले काफी समय से उज्जैन के थानों में खड़े इन वाहनों की नीलामी नहीं हुई है। ऐसे में अब जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान आकर्षित कर नीलामी की प्रक्रिया करना चाहिए, ताकि विभाग को राजस्व भी प्राप्त हो और स्टाफ की जान को खतरा भी न हो। अभी यहाँ पदस्थ 4 महीने हुए, मैंने अभी फाइल निकलवाई है, तो करीब 225 वाहन ऐसे है जो पुराने जब्ती के, उनकी फाइल में ये देखा है कि वो नीलाम होने की स्थिति में, तो जल्दी से जल्दी 15-20 दिन में हम ये चाह रहे हैं कि उसकी नीलामी हो जाए। करीब 250 वाहन नीलामी लाए गए और उसकी प्रोसीजर करीब करीब पूरी हो चुकी है, तो ये सावन का महीना खत्म होते ही हम इसकी नीलामी की प्रक्रिया में लग जाएंगे।